good morning dear students welcome to staying at home study program here i am Savchitkar. kaur this is a science lecture for class 5. today we will continue our third session of our chapter excretory system so let's see, revise the concept of main organs of excretory system kankansi means organs the लीवर लंग्स लाज इंसटाइन स्किन यूरिनरी सिस्टम सो ये कौन की क्या थी ये ह्यूमन एक्सरिटरी सिस्टम किस इन सबसे मिलकर बिना होता है कौन कौन से रिवाइज लीवर लंग्स लाज इंस्टाइन स्किन एंड यूरिनरी सिस्टम राइट सो नेम द ऑर्गन विच आर टू इन नंबर इन द गिवन इमेज ऑफ द गिवन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ ये कौन सा सिस्टम है कौन सा सिस्टम है ये सॉरी ये हमारा कौन सा है? ब्रीथिंग सिस्टम अब मैंने हिंट दे दिया ब्रीथिंग सिस्टम क्यों विंड पाइप लगी हुई है ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं और उस सिस्टम का नाम क्या है रेस्पीरेटरी सिस्टम क्या है इस कंप्लीट प्रोसेस सिस्टम का नाम रिपर रे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बिंड पाइप है वो आ, किस में यूज़ होती है क्या जो एयर है हमारी नोज़ के थ्रू वो बिंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक जाती है राइट नेक्स्ट ये कौन सा सिस्टम है स्कल है शोल्डर बोन्स हैं रिब केज है बैक बोन है हिप बोन्स हैं ये कौन सा सिस्टम है आइडेंटिफाई करो कौन से स्केल्टल सिस्टम कौन से स्केल्टल सिस्टम नेक्स्ट नेम द ऑर्गन सिस्टम बिलो इस ऑर्गन का नाम बताओ ये कौन सा है मस्कुलर सिस्टम देखो शोल्डर मसल मसल नेक मसल बाइसिप्स ट्राइसिप्स ट्राई मसल थाई मसल्स स्किन शिन मसल्स कफ मसल्स कौन सा सिस्टम है ये हमारा मस्कुलर सिस्टम राइट सो टूडेज टॉपिक इज़ यूरिनरी सिस्टम द मेन एक्सरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज़ द यूरिनरी सिस्टम जो एक्सरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है यूरिनरी सिस्टम विच इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी इसमें क्या होता है दो किडनीज होती है हमारी अ पेयर ऑफ यूरेट्रा ये वाला राइट देन यूरिनरी ब्लैडर दिस इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज़ अ यूरिथ्रा राइट किस किस से बना होता है टू किडनी टू यूरित्रा यूरनरी ब्लैडर यूरेटर्स यू सॉरी अ पेयर ऑफ यूरेट्स एंड यूरिनरी ब्लडर्स एंड यूरित्रा ज दट क्लियर किडनी द किडनी कौनसी क्या होती है द टू डार्क बी शेप्ड ऑर्गन एट द बैक ऑफ द बैकबोन वहाँ पे हमारी प्रजेंट होती है ऑल द ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी कौन सी आर्टरी के थ्रू होती है रिनल आर्ट्री के थ्रू इट इज अ लार्ज आर्ट्री विच गैट डिवाइडेड इन टू स्मॉलर वन इन साइड द किडनी वो इस जो मेन आर्टरी होती है उसके ये स्मॉल स्मॉल और आर्टरीज में डिवाइडेड होती है इन द किडनी यूरिया इज अ सॉलेबल अनवॉन्टेड कैमिकल सब्सटांस विच नीड टू थ्रो आउट फ्रॉम आर बॉडी यूरिया जो हमने मेटाबॉलिक वेस्ट किए थे उसमें आया था ना यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड ये थे ना यो इसका यूरिया का क्या है हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ अनवॉन्टेड केमिकल सब्सटेंस और नॉर्मली आप जो आपके घर पे बड़े होते हैं वो नॉर्मली ये बात करते रहते हैं जिनके नी पेन होते हैं और जिनके जॉइंट्स पेन होता है वो कहते रहते हैं कि कहीं हम मेरा यूरिया तो नहीं बढ़ गया ये यूरिया बढ़ने का यही कारण होता है कि उसकी वजह से आपके जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है सो so, इसका बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है द किडनी एक्ट ऐसा फिल्टर किडनी का काम क्या है एक्ट ऐसा फ़िल्टर करती है और क्या काम करती है प्योरीफाई द ब्लड ब्लड को प्योरीफाई करती है वाई रिमूविंग ऑल द बेस्ट प्रोडक्ट सच एज एक्स्ट्रा वाटर यूरिया सॉल्ट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड राइट इन सब को फिल्टर करके प्यूरीफाई करके और हमारी बॉडी से बाहर निकालती है प्यूरीफाइड ब्लड एंड इज देन कैरीड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल वेन रीनल वेन होती है उसके थ्रू बाहर लिए दूसरे बॉडी पार्ट में कैरी किया जाता है राइट right? किडनी से बाहर जाया जाता है देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज यूरितर यूरिनरी ब्लडर यूरित्रा यूरिन फ्रॉम द किडनी मूव डाउन टू द यूरिनरी ब्लडर थ्रो टू नैरो मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड यूरित्र यूरथ्रस राइट इसके जो मस्कुलर नेरो ट्यूब्स होती है इसके द्वारा जो हमारा यूरिन होता है वो किडनी से बाहर आता है जैसे हमने पीछे वाली इमेज में देखा था ये ये वाली जो थिन पतली पतली ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है राइट देन क्या होता है यूरिनरी ब्लडर इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन द टेम्परे स्टोर यूरिन एंटिल इट इज रिलीज थ्रो द यूरिथ्रा देखो इमेज में ये हमारा यूरिनरी ब्लडर यहाँ पे आके जो हमारे यूरिन होता है वो स्टोर हो जाता है देन इसके द्वारा हमारी यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होता है राइट कैसे फ्लो चैट है किसका यूरिनरी सिस्टम में यूरिन कैसे फ्लो होता है हमने रीनल आर्टरी की भी बात की थी स्टार्टिंग में ये क्या करती है जो ब्लड है सारा किडनी में जाता है थ्रू द रीनल आर्टरी देन लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी उसमें से लेफ़्ट यूरिटर आ जाता है और राइट right यूरिटर आ जाता है देन ये मिलकर कहाँ आते हैं यूरिनरी ब्लडर में आते हैं देन यूरिट्रा में यहाँ से हमारा यूरिन बॉडी पार्ट्स से द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है राइट यूनरी यूरिनरी ब्लडर में क्या होता है टेम्प्रेरी यूरिन जो यूरिन को स्टोर किया जाता है राइट नेक्स्ट इज़

यूरिनरी ब्लडर इज अ हॉल ऑफ मस्कुलर ऑर्गन दैट टेम्परेरी स्टोर यूरिन एंटिल इट इज रिलीज थ्रो द यूरे उसके यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता तब तक के लिए वो टेम्परेरी यूरिन को यूरिनरी ब्लडर में स्टोर करती है राइट ट्रू इट प्योरीफाई ब्लड इज देन कैरी टू वर्ड द किडनी बाई द रीजनल वेन रीनल वेन से किडनी में नहीं जाता किडनी से अभी जाता है राइट यूरिया इज अ सॉलेबल अनवॉन्टेड कैमिकल सबस्टेंस विच नीड टू बी थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी ट्रू ऑल द ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी यस, ट्रू दिस इज अ स्मॉल असेसमेंट द ब्लड एंटर द डैश थ्रू द रीनल आर्टरी कहाँ जाता है किडनी में द डैश इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट टेम्परेरी स्टोर यूरिन अंटिल इट इज रिलीज थ्रो द कहाँ पर स्टोर होता है क्या होता है ये होलो मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर किसके द्वारा हम यूरिन को रिलीज किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू राइट थर्ड इज़ यूरिन फ्राम द किडनी मूव डाउन टू द यूरनरी ब्लैडर थ्रू टू नेरो मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड क्या कहते हैं उसको यूरिट्र यूरिट्रस राइट डैश इज अब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंस्टाइन एंड सेमी सॉलिड फूड इज रिमूव फ्रॉम द एनस क्या क्या लार्ज इंस्टाइन में से वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है राइट ऑल द ब्लड इन द बॉडी एंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी द ब्लड एंटर द डैश थ्रू द रीनल आर्टरी कहाँ पे किडनी में सो नेक्स्ट इज़ अदर ऑर्गन इन द excretory सिस्टम द यू मेन थे वो तो हमने कर लिए कौन कौन से कर लिए किडनी के बारे में स्टडी किया यूरेटर के बारे में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में एंड यूरेट्रा के बारे में और अभी हम करेंगे लंग्स लिवर एंड स्किन के बारे में राइट अदर ऑर्गन दैट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आर लंग्स लिवर एंड स्किन ट्रू द मेन फंक्शन ऑफ द लंग इज रेस्पिरीशन मेन क्या है रेस्पिरीशन दे ऑल्सो लंग्स का मेन काम क्या है लंग्स के द्वारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है मेन ऑर्गन है राइट दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सरेटिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट होता है उसको निकालने में हेल्प करती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय द ब्लड टू द लंग्स जो कार्बन carbon... स्टार्टिंग में क्या होता है हम ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है वहाँ पे ब्लड के साथ मिक्सअप होने के बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में जब वो कैरी करती हैं राइट देन क्या होता है जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है लंग्स uh, कर रहे हैं राइट अलॉन्ग विथ सम वाटर बेपर ड्यूरिंग द एक्सलेशन और ब्रीथ आउट थ्रू द नोज नोज के थ्रू जब ब्रीथ आउट करते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर पेपर भी आ जाते हैं राइट नेक्स्ट इज लीवर लीवर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द एक्सेशन फंक्शन क्या है लीवर का लंग्स का ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं और आ, क्या करते हैं जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी के द्वारा अलोंग विद द वाटर पेपर और लीवर का क्या काम है प्यूरीफाई द ब्लड बाय रिमूविंग टॉक्सिन्स ड्रग एंड वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल फ्रॉम द ब्लड जो ब्लड सेल वार्न आउट हो गए हैं उनको बाहर निकालते हैं राइट right? रिमूव करते हैं मीन्स नेक्स्ट इज स्किन स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी और स्किन को और क्या कहा जाता है लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द आर बॉडी राइट एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन भी है और सेंस ऑर्गन भी है इट ऑल्सो एक्टेज एक्सरेटरी ऑर्गन बाई रिमूविंग एक्सेस सॉल्ट यूरिया एंड एसिड इन द फॉर्म ऑफ स्वेक्ट फ्रॉम द बॉडी हमारी बॉडी में जैसे स्वेटिंग होती है उसके फॉर्म में जो वेस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं राइट स्वेट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वो वाटर और सॉल्ट से मिलकर बना होता है जो स्वेट होता है राइट इट इज़ एक्सरेटेड थ्रू द टीनी होल्स कॉल्ड पोर फाउंड इन द स्किनारी बॉडी में बिल्कुल टीनी टीनी होल्स होते हैं उनको पोज कहते हैं उसके द्वारा हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है राइट इट्स नॉट ओनली रिमूव दिस वेस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं राइट ऐसे अवर बॉडी गेट रेड ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सरेशन सबसे मीन्स में हम कह सकते हैं कि एक्सरेशन सिस्टम के जितनी हमारी बॉडी से वेस्ट निकलेगा उतनी हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी राइट इफ़ दिस वेस्ट आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी अगर हमारी बॉडी से ये नहीं निकलेंगे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जाएंगे देन टॉक्सिन विल कलेक्ट इन आर बॉडी एंड कॉज मैनी डिजीज और बहुत सारी हमें बीमारियाँ लग जाएंगी राइट सो so, कैसे केयर करनी है हमारे एक्सरेटरी सिस्टम की सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट रिट ऑफ ऑल हार्मुल प्रोडक्ट से हमें छुटकारा चाहिए गेट रिट चाहिए एंड टॉक्सिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सरेशन इनको रिमूव करना पड़ता है अगर ये नहीं रिमूव होते तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती है फॉर आर एक्सरेटरी सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो केक हेल्दी एंड वैलेंस डाइट हमें हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सब कुछ प्रेजेंट हो बैलेंस डाइट में मिल्क भी होना चाहिए और ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए और पर्ल्स भी होनी चाहिए और हमारी जो ग्रीन भी होने चाहिए राइट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्रूड्स हमें वाटर भी लेना चाहिए जूस वगैरह और मिल्क भी लेना चाहिए राइट रिड्यूस कंजप्शन ऑफ टी टी कम करनी चाहिए कॉफ़ी कम लेनी चाहिए और एरिएटेड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं जिसको हम कोल्ड uh, ड्रिंक्स बोलते हैं वो भी कम लेनी चाहिए राइट सो वो यूरिन इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्ट नो क्या होते हैं जो वाटर और सॉल्ट से बनते हैं स्वेट वी शुड टेक अ हेल्दी और बैलेंस डाइट टू इंश्योर डेट आर एक्सरेटरी सिस्टम वर्क प्रॉपरली ट्रू स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ट्रू अगर ऐसा आता है स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी देन इट विल आल्सो बी ट्रू वी शुड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ टी कॉफी फॉर हेल्दी एक्सुटरी सिस्टम हमें चाहिए कॉफी ज़्यादा लेनी चाहिए नो इट शुड बी लैस कंज्शन ऑफ टी एंड कॉफी The main function of lungs is respiration. Yes. Le liver help in purifying blood, removing toxins and drugs. Yes, true. So, this is a small assessment that you have to do by yourself because we have a concept and you can do it very easily, right? So, this is our uh, excretory system. हमारा पूरा चैप्टर है यो वो कंप्लीट हो गया है अभी सो इफ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी कीप लर्निंग थैंक यू